सीएम राजे का चुनावी प्रचार जारी। सीएम राजे का आज बांसवाड़ा दौरा, जिले के 3 बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे कुशलगढ़ के चूड़ादा गांव में होगी पहली सभा, 4 बजे घाटोल विधानसभा के पीपलखूंट में उनकी दूसरी सभा होगी और शाम को 6 बजे बांसवाड़ा में उनकी तीसरी चुनावी सभा होगी। यहाँ प्रदेश में आज सीएम राजे का 3 चुनावी दौरे हैं। प्रदेश के अंदर जिले के 3 बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम उनका कुशलगढ़ के चूड़ादा गांव में है, जहां पर उनकी पहली सभा होगी। जहीं बात करें दूसरी सभा की, तो 4 बजे घाटोल विधानसभा के पीपलखूंट में उनकी दूसरी सभा होगी और शाम को 6 बजे बांसवाड़ा शहर में उनकी तीसरी चुनावी और अंतिम सभा होगी। यहाँ आज कर उनका जो शेड्यूल है, उनका जो रूटीन कार्यक्रम है, आज उनके 3 दौरे हैं लगातार। प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर उनके दौरे रहेंगे। साथ ही बीजेपी के 3 प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी, लोगों को उनके समर्थन में लाने की अपील करेंगी, साथ ही उनके समर्थन में वोट देने की वो अपील भी करेंगी। शाम को 6 बजे उनका बांसवाड़ा शहर में तीसरी चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज 3 चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी। आशीष, बताएं कि आज प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर सीएम राजे का दौरा है, किस तरह का दौरा रहेगा वो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, उसी के साथ में स्टार प्रचारकों के तूफानी जो प्रचार भरे हैं उनकी स्पीड उन्होंने बढ़ा दी है। और सीएम राजे की आज आधा दर्जन जनसभाओं का प्रोग्राम है। करीब 6 स्थानों पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभाएं होंगी। साथ ही साथ कल और परसों का भी शेड्यूल सेट हुआ है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 6-6 जनसभाओं का कार्यक्रम हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 3-4 सभाओं का शेड्यूल था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, लेकिन अब जैसे मतदान की नजदीक आ रही थी, उसी के साथ अब 6 सभाओं का शेड्यूल सेट किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विधानसभा क्षेत्र है उनको कवर किया जा सके और भाजपा के पक्ष में, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाया जा सके, ताकि भाजपा अधिक से अधिक सीटें निकाल सके। जी आशीष, बात करें बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से, योगी आदित्यनाथ ने भी अभी विवादित बयान दिया था, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष है, पक्ष को लगातार निशाने पर ले रहा है। जी बिल्कुल, ये चुनाव है और चुनाव में सियासी जो पारा है वो बड़ा चरम पर रहता है, तो ऐसे में मोदी को लेकर के, अमित शाह को लेकर के, योगी को लेकर के, तो वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी को लेकर के, इनके बयानों को लेकर के जो चर्चा का दौर है वो लगातार बना रहता है। तो ये चुनावी समर में इस प्रकार की बातें उतना आम बात है, इनमें कोई गंभीरता वाली बात नहीं है, क्योंकि सियासी जो मुद्दे हैं वो इन्हीं के जो दौरे हैं, इनके बयान है, उन्हीं को लेकर के मुद्दे बनाए जाते हैं और उनको लेकर के जनसभाओं में संबोधन दिया जा रहा है। तो क्या दौरों को लेकर किसी भगवान जाति विशेष को लेकर टिप्पणी करना वो कहां तक सही है? जी बिल्कुल, ये अब उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, उनके मायने अलग है, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग अपने अनुसार किया है उनकी अनुसार व्याख्या है, लेकिन विपक्ष से अगर बात करेगा उन्हीं शब्दों पे, तो विपक्ष की उलट उनकी व्याख्या होगी। तो इन ये जितने भी जो तमाम मुद्दे अभी उठाए हैं, विकास के मुद्दों से पलट इसमें जो जाति धर्म और इनके मुद्दे हावी होते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ नेताओं के जो बयान है वो चर्चा का विषय बनते नजर आ रहे हैं। जी आशीष, आपका आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यही थे हमारे संवाददाता आशीष तिवारी, ने बताया कि लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों ही अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। पक्ष जहां पर एक तरफ भगवान को मुद्दा बनाकर, धर्म को मुद्दा बनाकर राजनीति की आड़ में आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष उनको पीछे खींचने के लिए लगातार उन पर कटाक्ष है वो किए जा रहे हैं।